दोस्तों, मुद्दे पे आने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मैं खुद नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे फीचर पेजेस में फीचर हो चुका हूं। मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे आप एक हाईलाइट देख सकते हो की फीचर्स की, जहां पे आप मेरे कुछ फीचर्स देख सकते हो, जैसे कि ट्रिपोडो कम्युनिटी, आउटलुक ट्रैवलर, स्ट्रीट फोटोग्राफी इंटरनेशनल, एट जो योर शॉट। बहुत सारी ऐसी जगह मेरी फोटोज गई हैं, वहां पे उन्होंने मुझे मेंशन किया है क्योंकि उनकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, तो वहां से ही मुझे फॉलोअर्स आए हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी है इंस्टाग्राम ग्रोथ में। तो दोस्तों, जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूं वो 100% मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, हो सकता है इससे आपकी हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हाय दोस्तों, अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो ऑन इंस्टाग्राम तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पेजेस होते हैं जिनके हजारों लाखों में फॉलोअर्स होते हैं। वो पेजेस क्या करते हैं दोस्तों, आप जैसे क्रिएटर्स का कंटेंट उठाते हैं, अपनी पेज पर डालते हैं, आपको क्रेडिट देते हैं। उससे क्या होता है, जो उनकी लाखों की ऑडियंस है उन तक वो कंटेंट पहुंचता है, क्योंकि उन लोगों ने आपको क्रेडिट दिया हुआ है, तो उनकी जो ऑडियंस है वो क्रेडिट देखती है, वो मेंशन देखती है, आपके पेज पे आती है, आपका कंटेंट देखती है। अगर आपका कंटेंट उनको अच्छा लगता है तो आपको फॉलो करती है। तो दोस्तों, ये होते हैं फीचर पेजेस जो कि आपके कंटेंट फीचर करते हैं। ये हर नीश में होते हैं, फोटोग्राफी में है, डांस में है, म्यूजिक में है। तो दोस्तों, रील्स आने से पहले यही एक तरीका होता था कि जब आपका कंटेंट वायरल होता था बहुत सारे फीचर पेजेस पे, तो बहुत सारे लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचता था, वो लोग आपको फॉलो करते थे। इसमें दोस्तों, नो डाउट सबसे नंबर वन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होता है कंटेंट, बट बहुत सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनका आप यूज कर सकते हो अगर आपको फीचर पेजेस पे फीचर होना है और अपने इंस्टाग्राम की ग्रोथ करनी है। ये वीडियो आज उसी बारे में है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो तीन पार्ट में है, रिसर्च, टारगेटिंग और सपोर्ट। हर पार्ट को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहना एंड तक, इसको ध्यान से देखते रहना। अब दोस्तों, रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च का मतलब होता है दोस्तों कि आपको जिन पेजेस को आपको टारगेट करना है उन पेजेस पे आप जाओगे, उन पेजेस पे आप कुछ पॉइंट नोट करोगे। नंबर वन पॉइंट है दोस्तों कॉन्टेंट का, कि जो कॉन्टेंट वो फीचर पेज डाल रहा है क्या आपका कंटेंट उससे सच में रिलेटेड है कि नहीं है। बहुत बार ये होता है दोस्तों कि पेजेस होते हैं ट्रैवल के, लेकिन आप उसमें पोर्ट्रेट डाल रहे हो और आप उनका हैशटैग यूज कर रहे हो, या फिर वो प्योर ट्रैवल कंटेंट डाल रहे हैं और आप उसमें स्ट्रीट की फोटोज में भी उनका हैशटैग यूज कर रहे हो। अगर वो पेज दोस्तों ड्रोन शॉट्स डाल रहा है, अगर आपके पास ड्रोन नहीं है, आप नॉर्मल शॉट्स डाल रहे हो, तो आपके चांसेस वैसे ही कम है उसमें फीचर होने के। जिस पेज को आप टारगेट कर रहे हो उसको पहले अच्छे से उसका कंटेंट देख लो कि उसके एडमिन को कौन सी चीजें पसंद है, वो पेज किन चीजों को फीचर करता है। दूसरी चीज है दोस्तों कि उसका स्टेप क्या है। मोस्टली दोस्तों उनके बायो में लिखा होता है कि या तो आप उनका हैशटैग यूज कर सकते हो, या उनको टैग कर सकते हो, या उनको डीएम में अपना पोस्ट भेज सकते हो। जो भी उनका प्रोसेस है वो प्रोसेस उन्होंने अपनी बायो में लिखा होगा। उनके बायो अच्छे से पढ़ो, उसमें अच्छे से देखो कि क्या प्रोसेस है उनका फोटोज फीचर करने का। और दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है रिसर्च में कि वो पेज एक्टिव है कि नहीं। बहुत बार आप ऐसे ऐसे पेजेस का हैशटैग यूज करते हो जो पेजेस अभी एक्टिव ही नहीं है, वो 3-4 महीने 6 महीने से कुछ पोस्ट ही नहीं कर रहे, तो उनका हैशटैग यूज करना उस हैशटैग का वेस्ट है, उन हैशटैग्स को आप मत यूज करो। अब दोस्तों आते हैं पार्ट टू पे। पार्ट टू कहता है टारगेटिंग। टारगेटिंग दोस्तों आपको कैसे करनी है? टारगेटिंग आपको 3 लेवल में करनी है, लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल। लोकल क्या होता है दोस्तों, जिस भी सिटी में आप रह रहे हो, जिस भी स्टेट में आप रह रहे हो, वहां के कुछ फीचर पेजेस होते हैं, उन फीचर पेजेस को आपको टारगेट करना है। क्योंकि अगर आप एक स्टार्टिंग में, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, आपका स्किल लेवल उतना नहीं है, बोथ स्किल लेवल और बोथ फॉलोअर अकाउंट दोनों आपका, अगर आप बिगिनर लेवल पे ही हो, तो जो लोकल फीचर पेजेस है वहां पे सबसे इजी टारगेट होता है आपके लिए। उनके हैशटैग्स वगैरह भी बहुत सारे लोग यूज नहीं करते, और अगर आप उनके हैशटैग्स यूज करते हो तो उनके हैशटैग में टॉप होने के आपके वैसे ही ज्यादा चांसेस होते हैं, उन तक आपका कंटेंट पहुंच जाता है। तो दोस्तों लोकल फीचर पेजेस की भी अच्छी खासी ऑडियंस होती है, 10-20-50-30,000 ऐसे उनकी ऑडियंस होती है। अगर आप एक स्टार्टिंग में एक न्यू क्रिएटर हो तो आप सबसे पहले टारगेटिंग करो लोकल फीचर पेजेस की, जिससे कि आप अपना कंटेंट लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, लोकली अपना नाम बना पाओ। अब दोस्तों आते हैं नेशनल फीचर पेजेस पे। अगर आपके एक सिग्निफिकेंट ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है, प्लस आपका स्किल लेवल भी इंप्रूव हो चुका है, तो आप नेशनल फीचर पेजेस को इजिली टारगेट कर सकते हो। उनका कंटेंट देखो, रिसर्च वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया वो अच्छे से कर लेना, और उनको टारगेट करना, उनको उनका स्टेप्स देखना और लिस्ट बनाना ऐसे नेशनल फीचर पेजेस की जिनसे आपका कंटेंट सिंक होता है। दोस्तों इसी में तीसरा पॉइंट है इंटरनेशनल टारगेटिंग। इंटरनेशनल टारगेटिंग मतलब आपको इंटरनेशनली जो फीचर पेजेस रिनाउंड है उनको टारगेट करना है, ना सिर्फ फीचर पेजेस, जो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि इंटरनेशनली कॉम्पिटिशन होल्ड करती हैं। जैसे आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी के अगर आप कॉम्पिटिशन टाइप करो, बहुत सारे कॉम्पिटिशन आते हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट ले सकते हो। बहुत सारे कॉम्पिटिशन में एंट्रीज होती हैं, फ्री होती हैं, बहुत सारे में पेड होती हैं, तो इंटरनेशनली आपको टारगेट करना है, बोथ ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज आउटसाइड ऑफ इंस्टाग्राम जो कि कॉम्पिटिशन होते हैं उनके। अगर आप इन पेजेस को टारगेट करते हो तो आपका जो स्किल है वो इंडिया की बाउंड्री के बाहर जाता है, इंटरनेशनली जो अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं उन तक आपका कंटेंट पहुंचता है। तीसरा पार्ट है दोस्तों इसमें सपोर्ट। सपोर्ट से मेरा क्या मतलब है कि दोस्तों जिस भी फीचर पेज को आपको टारगेट कर रहे हो उस फीचर पेज की आप नजर में भी आ सकते हो। आपको क्या करना है, उस फीचर पेज को डेफिनेटली आपको फॉलो करना है। फीचर पेज के ओनर्स दोस्तों आप और मेरे जैसे लोग ही होते हैं, तो ये जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अगर आप उसको फॉलो ही नहीं करते हो, आप खाली उसका हैशटैग यूज कर रहे हो, तो वो थोड़ा डिस्करेज हो जाता है आपको फीचर करने के लिए।
तो आप उसको चीज को ध्यान में रखना, उसको फॉलो करना, उसके पोस्ट नोटिफिकेशंस ऑन करो। जिस भी लेवल में आप उसको सपोर्ट कर सकते हो आप कर सकते हो। डेफिनेटली लाइक्स तो कोई नहीं नोटिस करता, लेकिन अगर आप उसकी फोटोज पे जो भी फीचर पेज है उसके फोटोज पे अगर आप कमेंट वगैरह करते हो तो आपका नाम वो इजीली नोटिस कर लेता है, आपके प्रोफाइल पे भी जाता है, आपके प्रोफाइल का कोई काम अच्छा लगता है तो डेफिनेटली वो एज अ थैंक यू जेस्चर आपका फोटोज भी रिपोस्ट कर देता है। ये दोस्तों मुझे कैसे बात पता है, बिकॉज बहुत सारे फीचर पेज वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे को फॉलो भी करते हैं, मेरे अच्छे खासे दोस्त हैं, इंस्टाग्राम पे मेरी बात होती रहती है। तो ये सब चीजें भी हैं दोस्तों, सपोर्ट के बदले ही सपोर्ट वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। उनको दोस्तों कोई पे नहीं कर रहा है दिन में 4-5 बारी पोस्ट करने के लिए, बहुत सारे एफर्ट लगते हैं उनको। तो अगर आप उनको सपोर्ट कर सकते हो किसी भी वे में तो आप सपोर्ट करना। दोस्तों इन तीन पार्ट के बाद आते हैं एक और पॉइंट पे, जो कि होता है प्रमोशंस वर्सेस फीचर। प्रमोशंस और फीचर में क्या डिफरेंस होता है दोस्तों? प्रमोशंस हमेशा पेड होते हैं, फीचर हमेशा फ्री होता है। फीचर आपके स्किल के बेस पे होता है, प्रमोशंस क्योंकि आपके पास पैसे हैं इसलिए होता है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम के एड्स या प्रमोशंस यूज कर रहे हो, अगर आप उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप फीचर पेजेस पर के पास जाके आप उनको डीएम कर सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा एक पोस्ट करवाना है, एक स्टोरी करवानी है, मुझे अपने आप को प्रमोट करवाना है,